पंजाब यूनिवर्सिटी में कट्टरपंथी संगठन ने हमला किया, 15 छात्र घायल। कोविड की तरह फैलता है H3N2 इन्फ्लुएंजा। एम्स के पूर्व निदेशक के गुलेरिया ने कहा, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मेक्सिको गए 4 अमेरिकी किडनैप, घसीट कर गाड़ी में पटके गए, सस्ती दवाइयां लेने गए थे। FBI जानकारी देने वालों को देगी 40 लाख का इनाम। मनीष सिसोदिया से तिहाड़ में ईडी की पूछताछ, केजरीवाल बोले देशभक्त पर झूठा केस थोपा, जेल की कोठरी सिसोदिया का हौसला नहीं तोड़ पाएगी। पाकिस्तान का डबल गेम, रूस को गेहूं तेल ले रहा, उसके विरोधी यूक्रेन को अपना गोला बारूद बेच रहा, जर्मनी के इस रास्ते पहुंचाई खेप। तेलंगाना बीजेपी चीफ बोले, सरकार बनी तो बुलडोजर चलाएंगे, कहा महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को यूपी के तट पर सजा देंगे। जापान ने अपना ही रॉकेट तबाह किया, सेकंड स्टेज इंजन स्टार्ट नहीं हुआ, इसमें मिसाइल का पता लगाने वाली सैटेलाइट थी। सुकेश ने जैकलीन को दी होली की बधाई, जेल में लिखा खत, कहा जैकलीन तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। अमेरिका में प्लेन क्रैश, भारतीय मूल की महिला की मौत, कॉकपिट में आग लगने के बाद हादसा, बेटी और पायलट बुरी तरह से झुलसे। मध्य प्रदेश राजस्थान में ओला बारिश से फसलें तबाह, तेज आंधी से गेहूं चने को सबसे ज्यादा नुकसान, अगले 2 दिन भी मौसम खराब रहने के अनुमान। पैसेंजर ने प्लेन का इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश की, तूने रुका तो चम्मच से गर्दन पर वॉर किया, अमेरिकी एयरलाइंस ने बैन लगाया। बंगाल में सरकारी कर्मचारियों ने मांगा केंद्र के बराबर दिए, ममता बोली चाहे मेरा सिर काट दे, महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा सकती। पीओके में छात्राओं और महिला टीचर्स का हिजाब पहनना अनिवार्य, इमरान की पार्टी का फरमान नहीं मानी तो संस्था के हेड को मिलेगी सजा। लालू यादव से CBI ने 3 घंटे तक किए सवाल जवाब, मीसा के घर पहुंची थी टीम, रोहिणी बोली पापा को परेशानी हुई तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में राहुल गांधी का भाषण, कहा भारतीय संसद में विपक्षी नेताओं के माइक बंद कर दिए जाते हैं, हमें चर्चा करने की इजाजत नहीं। नेफ्यूरियो 5वीं बार नागालैंड के सीएम बने, पीएम मोदी अमित शाह मंच पर रहे मौजूद। पाकिस्तान फौज के लिए खतरा बन गए हैं इमरान, जुल्फिकार अली भुट्टो ने जनरल जिया नवाज ने मुशर्रफ को शह दी, अंजाम बुरा हुआ। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भाजपा MLA मतल को 5 लाख के बॉन्ड पर अंतरिम जमानत दी, 48 घंटे में लोकायुक्त के सामने पेश होने को कहा। रिकी पोंटिंग बोले कोहली चैंपियन खिलाड़ी, जल्द बड़ी पारी खेलेंगे, कहा भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज बैटर्स के लिए बुरे सपने की तरह। बांग्लादेश ने इंग्लैंड को हराया, शाकिब के ऑलराउंड प्रदर्शन से 3रा वनडे 50 रन से जीता, सीरीज इंग्लैंड के नाम।